हेलो, आपके सामने एक रेड बटन है। दबा दिया। आगे बोलो। Powerful people make places. Powerful. सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और सेफ होंगे। सो गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक बैटल रॉयल गेम के बारे में बताने वाला हूं, जो कि औरों बैटल रॉयल गेम से थोड़ा सा डिफरेंट है। लाइक चाहे बात करें हम फ्री फायर की, कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल की या फिर BGMI की, मतलब ये जो तीनों गेम्स है कहीं ना कहीं आपको सिमिलर लगेंगी, बट ये जो बैटल रॉयल गेम है इसका जो कॉन्सेप्ट है बिल्कुल डिफरेंट है। मतलब है तो ये बैटल रॉयल गेम, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है इसका इन तीनों गेम से काफ़ी ज़्यादा अलग है। तो वीडियो को कहीं पर भी स्किप मत करना, आपके सब कुछ समझ में आ जाएगा कि आखिर में कौन सी गेम है, गेम की फाइल साइज़ क्या है, गेम का नाम क्या है। तो वीडियो को लाइक कर देना अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो, और अगर आपको फ्यूचर में ऐसे ही वीडियोज़ और देखनी है तो डेफिनेटली चैनल सब्सक्राइब कर लेना और उस बेल के आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आपको हर अपडेट टाइम पर मिलती रहे। तो अगर बात करें इस गेम के बारे में, तो इस गेम को एक टाइम पर 100 प्लेयर एक साथ खेल सकते हैं। रियल प्लेयर के साथ साथ यहाँ पर कुछ तो ऐसे ज़ॉम्बीज़ हैं जो कि एक्चुअल में ज़ॉम्बीज़ नहीं है। लाइक इनके पास कुछ तो वेपन रहता है जिसके थ्रू ये आपको मारते हैं, और ये जो ज़ॉम्बीज़ हैं ये जो है आपको मैप पर हर जगह देखने को मिलेंगे। लाइक अगर जो है आप फर्स्ट टाइम इस वाली गेम को खेलोगे तो आप एक बार कन्फ्यूज होगे कि इनमें से रियल प्लेयर कौन है और ये बोट कौन है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि जो गेम है बैटल रॉयल ये थोड़ा सा डिफरेंट है औरम बैटल रॉयल गेम से। सभी गेम्स में क्या होता है कि आइलैंड पर लैंड करने के लिए सबसे पहले आपको फ्लाइट के थ्रू टेक ऑफ करा जाता है, उसके बाद जो है आपको मैप पर जंप करना होता है, लेकिन इसका जो कॉन्सेप्ट है बिल्कुल अलग है। लाइक यहाँ पर कोई भी ऐसा टेक ऑफ के लिए कोई भी यहाँ पर फ्लाइट वगैरह नहीं है। यहाँ पर मैप पर जो है एंटर करने के लिए एक मेन शिप होती है, जिसके अंदर जितने भी प्लेयर होंगे जो कि एक मैच को खेल रहे हैं, लाइक 100 प्लेयर एक मेन शिप में होंगे, जिसको जहाँ पर भी जाना है सिंपली जो है आपको यहाँ पर एग्जिट करना है अपने मेन शिप से। तो आपको एक प्राइमरी शिप मिल जाएगी जो कि छोटी सी रहेगी, और आपको उसी शिप के थ्रू मैप पर जाना है। मतलब कि ये जो कॉन्सेप्ट है बिल्कुल अलग है औरों बैटल रॉयल गेम से। तो जैसे कि औरों बैटल रॉयल में क्या होता है कि जब जो है आप मैप पर एंटर करते हो तो आपको लूट करने की जरूरत होती है, लेकिन इसमें नहीं है। लाइक अगर जो है आप जैसे ही मैप पर एंटर करोगे तो आपके पास पहले से ही वेपन रहेगा। लाइक अगर जो है आपके सामने कोई एनिमी और गया है तो आप उसको मार सकते हो या फिर वो आपको मार देगा, ऐसा कुछ तो है। लेकिन अगर जो है आपके पास कोई अच्छी गन नहीं है तो आप जाकर हाउसेस के अंदर कुछ लूट वगैरह कर सकते हो। और इस गेम की मुझे एक चीज़ समझ में ये नहीं आई कि अगर आप मर जाते हो तो आपको फिर से रिस्पॉन्स क्यों कराया जाता है। आई थिंक 3 बार जो है आपको चांस मिलता है, अगर जो है 3 बार कोई एनिमी आपको मार देता है तो आपको फिर से रिस्पॉन्स कराया जाएगा, और फिर से जो है आपको अपने शिप के थ्रू आइलैंड पर जाना होता है, ऐसा कुछ तो यहाँ पर सीन है। बाय द वे, जो गेम प्ले आप देख रहे हो बैकग्राउंड में वो इसी गेम का है। अगर गेम के नाम के बारे में बात करें तो इस गेम का नाम है डिसऑर्डर, जो कि अभी फिलहाल क्या है कि इसको प्ले स्टोर से रिमूव कर दिया गया है। बट डोंट वरी, मैं आपको डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप इस वाली गेम को डाउनलोड कर सकते हो। सो अगर जो बात करें हम गेम साइज के बारे में, तो ये जो गेम है 1.5 GB की समथिंग कुछ तो है, जगह डाउनलोड कर लेना अगर आपको खेलना है तो। सबसे अच्छी बात क्या है इस गेम की, जो कंट्रोल्स हैं काफ़ी औसम है, और जो ग्राफिक्स है ना, ग्राफिक्स नो डाउट गाइस काफ़ी अच्छे मिलते हैं। अगर जो है आपके पास कोई ऐसा हैवी डिवाइस है जिसमें कि रैम अच्छा है और प्रोसेसर अच्छा है, तो आपको यहाँ पर अल्ट्रा ग्राफिक्स देखने को मिल जाएगा, जो कि आप कंपेयर कर सकते हो पबजी और कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल से। मतलब भाई ग्राफिक्स नो डाउट काफ़ी अच्छे होने वाले हैं। प्लस जो है गेम प्ले के साथ साथ जो है आपको इसके अंदर कई सारे मोड देखने को मिल जाते हैं जो कि आप ट्राई कर सकते हो, लेकिन जो मेन मोड है वो यही वाला है जो कि खेलने में काफ़ी सही लगता है। अगर जो है बात करें हम इस वाले मोड के कॉन्सेप्ट के बारे में, तो जहाँ तक मैंने जो है मैप को एक्सप्लोर करा है, मुझे कहीं पर भी कोई ऐसा एयर ड्रॉप देखने को नहीं मिला, कोई भी व्हीकल देखने को नहीं मिली। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो है एक कुछ तो मेन तो हब होता है, ओके इसका नाम मुझे नहीं पता, एक मेन हब होता है जो कि लास्ट, समझ लीजिए कि लास्ट जोन है ये। अब यहाँ पर क्या होता है कि इस मेन हब पर आपको जाना होता है, लाइक जितने भी प्लेयर होंगे वो सभी इस हब पर आएंगे। अब यहाँ पर क्या होता है कि इस हब पर आने के बाद आपको इसको कैप्चर करना पड़ता है। आपको थोड़ी देर वेट करोगे तो एक कुछ तो ऐसा टाइमर चलता है जो कि 100% तक जाता है। जैसे जो है आपका 100% कंप्लीट हो जाएगा आप मैच को जीत जाओगे। मतलब यहाँ पर कोई भी ऐसा जोन नहीं है, आपको ये जो है रास्ता भी बताएगा कि आपको किस तरफ से जाना है और जो मेन हब है वो कहाँ पर है। तो ऐसा कुछ तो है, रास्ते में जो भी एनिमी मिले आपको उसको मारना है, अगर जो है आप उसको नहीं मारते हो तो वो आपको मारेगा। और हर मैप मतलब हर जगह जो है आपको जो ज़ॉम्बीज़ हैं जो कि एक्चुअल में नहीं है वो जो है आपको देखने को मिलेंगे। मतलब कि आप पूरे के पूरे कन्फ्यूज हो जाओगे कि ये ज़ॉम्बी हैं या फिर रियल प्ले। मतलब कई बार तो मैं इसी चक्कर में मारा गया गेम प्ले करते टाइम, लेकिन गेम काफ़ी सही लगी मुझे। कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग सा है और बैटल रॉयल गेम से,
लेकिन अच्छी बात क्या है कि ये जो गेम है ऑनलाइन वर्क करती है, तो अपने फ्रेंड के साथ भी आप इस वाले गेम को खेल सकते हो। साथ में जो है आपको वॉइस चैट का भी सपोर्ट मिल जाता है, तो इजीली जो है अपने कमांड के थ्रू, लाइक अपने वॉइस चैट के थ्रू अपने टीममेट को जो बता सकते हो कि मैं कहाँ पर हूँ और एनिमी कहाँ पर है। तो टोटली एक बैटल वेल गेम इसका कॉन्सेप्ट मुझे काफ़ी सही लगा। बाकी जो है आपको डाउनलोड लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो मेक श्योर जाकर वहाँ से इस वाली गेम को डाउनलोड कर सकते हो। और गेम के अंदर कई सारे कैरेक्टर हैं जो कि आप देख सकते हो, लाइक जितने भी कैरेक्टर्स हैं इनकी कुछ अलग अलग एबिलिटीज़ हैं। जब जो है कोई भी कैरेक्टर आप चूज करोगे और उस कैरेक्टर के साथ आप गेम प्ले करोगे, तो आपको उस कैरेक्टर की एक्चुअल पावर के बारे में पता चलेगा। जितने भी कैरेक्टर्स हैं इनके पास कुछ अलग अलग पावर्स हैं जो कि गेम प्ले करते टाइम आप यूज़ कर पाओगे। और इस बैटल रॉयल गेम के अंदर वो सारे नॉर्मल फीचर्स हैं जो कि आपको एक बैटल रॉयल गेम में चाहिए। प्लस जो एनिमेशन है गेम को भी काफ़ी अच्छा है, चाहे बात करें हम किल इफेक्ट के बारे में या फिर स्लाइड एनिमेशन के बारे में, जंप एनिमेशन के बारे में, सब जो है आपको काफ़ी सही देखने को मिलते हैं। प्लस काफ़ी लोग मुझे पूछते हैं कि भाई गेम के अंदर जायरो है या फिर नहीं है, तो यस गाइस इस गेम के अंदर जायरो है, सेंसिटिविटी है और कस्टम कंट्रोल भी आप जो है क्रिएट कर सकते हो अपना। तो सब कुछ जो है आपको इस वाली गेम के अंदर मिल जाता है जो कि आपको एक नॉर्मल बैटल रॉयल गेम में मिलता है। और सबसे अच्छी बात मुझे क्या लगी भाई, ग्राफिक्स यार, लिटरली ग्राफिक्स काफ़ी अच्छे हैं इस वाली गेम के। तो गाइस ये थी बैटल रॉयल गेम। और हाँ, रिसेंटली जो है अभी मैंने आपको एक बैटल रॉयल गेम के बारे में और बताया जो कि ऐसे एक फ्यूचरिस्टिक बैटल रॉयल गेम है। अभी तक जो है आपने इस वाले वीडियो को नहीं देखा है, तो वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगी। मेक श्योर इस वाले वीडियो को देखने के बाद जाकर उस वाले वीडियो को जरूर देखना। ओके गाइज, हम मिलेंगे आपसे एक साइड वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।